हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और उसी कमेंट्स को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें करंट कमेंट्स जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस आप मुझसे वो इस प्रकार के हैं कि कितने नंबर के प्रश्न आते हैं सीआईटी सेंटर एग्जाम में, जो प्रश्न आते हैं कितने नंबर का आते हैं। दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम हिंदी में होता है इंग्लिश में होता है। तीसरा, जो क्वेश्चन है क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। चौथा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है सीआईटी एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना होता है। तो ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि इसका कट ऑफ कितना होता है। तीसरा है कि स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताऊंगा आज कि स्पॉट एडमिशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 75 जो क्वेश्चन होते हैं और टेक्निकल से होते हैं जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए हैं। और एक क्लियर बात बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी हैं जैसे बीटेक डिप्लोमा वाले अगर अप्लाई किए हैं तो उनके लिए भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आईटीआई लेवल के ही आएंगे, आईटीआई से ही आएंगे, ये आप क्लियरली समझ लीजिए। बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा कि लोग डाउट में है कि मैं बीटेक किया हूँ, मैं डिप्लोमा किया हूँ, मुझे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो नो डाउट आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो आईटीआई लेवल के आएंगे, आईटीआई असर से ही आएंगे। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और पढ़ना है तो आप जिस ट्रेड में अप्लाई किए हैं उसी ट्रेड के आईटीआई का बुक खरीद लीजिए, वो भी केवल उस थ्योरी बुक, ट्रेड थ्योरी बुक खरीदिए, एक ही बुक होता है। बीटेक डिप्लोमा वालों को ये पता नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप फैशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई किए हैं, चाहे कोई फैशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए हुए हैं, तो नो प्रॉब्लम, किए हैं तो क्या हुआ, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आईटीआई से आएंगे। तो आईटीआई के फैशन टेक्नोलॉजी का बुक खरीदिए, उससे पढ़िए। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, बीटेक हैं या डिप्लोमा है, तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो कोपा ट्रेड से आएंगे। कंप्यूटर साइंस का जो आईटीआई का क्वेश्चन होते हैं, जो आईटीआई का बुक होता है उससे पढ़िए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया। और एग्ज़ाम हिंदी में होता है इंग्लिश में, तो एग्ज़ाम भाई दोनों में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और तीसरा जो है सीआईटी एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना होता है। तो दोस्तों, इसमें कट ऑफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता, सारे लोगों का रिजल्ट आती है। अगर आपका नंबर 80 भी है, 90 भी है, या 0 है, या 1 है, 2 है, 5 है, सबका रिजल्ट देगा। तो फिर बोलिए कि सबका एडमिशन होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप जो कॉलेज चॉइस किए हैं वो कॉलेज वाले अपना कट ऑफ डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप कानपुर, हैदराबाद और मुंबई चॉइस किए हैं ऑप्शन में, तो जो आपका रिजल्ट आया, मान लीजिए आपका रिजल्ट में नंबर 30 दिखा रहा है और हैदराबाद जो एडमिशन लेना शुरू किया 60 से किया, तो तीन लिस्ट जारी करता है, पहला लिस्ट होता है, दूसरा लिस्ट होता है, तीसरा होता है, चौथा भी होता है कभी कभी। तो पहला लिस्ट में मान लीजिए कि 60 से 80 वाले को लिया, तो सेकेंड लिस्ट में 50 से 60 को लिया, थर्ड लिस्ट में 30 से 40 को लिया, मान लीजिए कि इतने लोगों को ले लिया फिर भी उसका सीट फुल नहीं हुआ, तो अब एक और ऑप्शन आता है स्पॉट एडमिशन का। उसमें आपको कॉलेज चॉइस नहीं मिलता, आप जो सोचिए कि मैं इस कॉलेज से हूँ और ये मिल जाए मुझे, तो ये नहीं होता है, चॉइस वाला नहीं मिलता है। आप स्पॉट एडमिशन में कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए शर्त यही है कि आप CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, बिना CITS किए हुए लोग इसमें अप्लाई नहीं करते, उनका स्पॉट एडमिशन में नहीं होता है। तो आपको ये ज़रूरी होता है कि आप CITS एग्ज़ाम दिए, भले नंबर कितना भी आया हुआ। और एक बात और जानकारी देता हूँ कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को अगर छोड़ दें तो बाकी ट्रेडों में सीट लगभग खाली रहती है, आपका एडमिशन ईजिली हो जाता है, इसलिए आपको परेशानी नहीं होना है। कहीं कहीं फीटर ट्रेड का भी सीट खाली रहता है, जैसे हैदराबाद में वहाँ शायद 500 टोटल नहीं, कुछ ज़्यादा सीटें हैं, 100 से ऊपर सीटें हैं, तो वहाँ आपका 3:40 का होता है शायद, तो उसमें ज़रूर आपको वहाँ मिल जाता है, और जो नए कॉलेज है उसमें भी मिल जाता है।
तो कहीं से कीजिए, आपको करना है तो आप अगर लास्ट में अगर नहीं नंबर कम आते हैं तो स्पॉट एडमिशन ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ और है कि जब आप कॉलेज में जाइएगा, ये भी जानकारी आपको दे दूँ, तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे आपका रहने का जो व्यवस्था होगा, लॉजिंग, वो बिल्कुल फ्री है, बेड मिलता है, पंखे मिलते हैं, सारे चीज़ मिलते हैं, एक रूम मिलता है उसमें दो बच्चे रहते हैं, और गोदरेज मिलता है, टेबल मिलता है, पंखा, लाइट सब मिलता है आपको, और खेलने के लिए भी स्पोर्ट वाली चीज़ें मिलती है, जिम खाना होता है, बहुत अच्छा कैंपस होता है, आप रह सकते हैं। केवल आपको खाने का पैसा लगता है, तो खाने का तो घर पे भी लगता है, तो आप खाना कहीं भी खाते हैं तो पैसा लगता है, तो इसलिए आप वहाँ कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल खर्चा मैं बता दूँ, कॉलेज का खर्चा मात्र 3,000 रुपया है, जिसमें हॉस्टल चार्ज, आपका लॉजिंग चार्ज और एडमिशन चार्ज से लेके हर चीज़ इसमें इंक्लूड है। 3,000 रुपये में बिल्कुल हो जाएगा, वो भी जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 1-2 सौ रुपये कम हो जाएंगे, और एसएसटी के लिए मात्र 1,500 से 2,000 के बीच में हो जाता है। तो इतना कम पैसों में आपका एक बहुत अच्छा कोर्स हो जाता है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, और भी अगर आपको बता दूँ कि अगर मेरा सब्सक्राइबर्स 1,000 हो जाते हैं इस मंथ में, तो मैं आप लोगों का एग्ज़ाम 30 जून का है, तो 30 जून के बाद जो फर्स्ट संडे आएगा उस दिन मैं लाइव आऊँगा, बिल्कुल लाइव रहूँगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा, इसका डेट मैं बता दूंगा आप लोगों को एक वीडियो बनाकर, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, नंबर कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, 1,000 अगर इंतजार करता हूँ, अगर पूरा जाता है तो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें लाइव के जो ऑप्शन आता है उसमें 1,000 होने पर ही आता है, अगर 1,000 आता है तो सब्सक्राइबर्स, तो मैं लाइव जरूर आऊँगा, आप लोगों को सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम को। अभी मुझे लगभग 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और 400 देखते हैं, अगर हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो CIT से एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको भी पता चल जाए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से कराइए, क्योंकि आप जब जाएंगे CTI कॉलेज में, तो वहाँ एक सब्जेक्ट होता है POT, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ सारे लोग भागते हैं पढ़ाने से, और इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑनलाइन। और आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे और लाइक ज़्यादा मिलेगी, तो मैं इस सब्जेक्ट को आप लोगों को जनवरी में फिर मिलूंगा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। तो अगर आप CTI कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे, हमेशा देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी करवाएंगे, जिससे आपको अगले साल POT सेकेंड सेमेस्टर में CITS के POT का आप लाइव पढ़ेंगे, अब आपका नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। सबसे बच्चे इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, POT में, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में 90% बच्चे फेल होते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, जब आप जाइए कॉलेज में तो आप ये बात आपको जरूर याद आएगी कितना टफ सब्जेक्ट होता है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, और जो जो मेरा चैनल देखा वो मैं गारंटी देता हूँ फेल नहीं हुआ कभी नहीं। चलिए, तब तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बस इतना ही, बाय।